नमस्कार दोस्तों, मैं हम सूर्या, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। कल्की का जिस तरह से कलेक्शन आ रहा है, उस तरह से हेटर्स की बहुत ज़्यादा बैंड बजी हुई है। समोसा क्रिटिक्स जो है, उनके समोसे बिकने बंद हो गए हैं और वो अपनी दुकान बंद करके घरों में बैठे हुए हैं। यानी कि जिस तरह से बारिश का मौसम ठंडा ठंडा एकदम, वैसे ही उनका दिमाग भी एकदम ठंडा पड़ चुका है, सुन्न पड़ चुका है। ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए हमारे साथ फिलहाल मौजूद है ऑटो वाले अंकल, जिन्होंने फिल्म को बहुत बढ़िया तरह से सपोर्ट किया था। अशोक साहब का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? एकदम मज़े में हूँ और लाइक अच्छा फील कर रहा हूँ। दोस्तों एक बात यह है कि कल्की जो जिस हिसाब से मुझे लगा था, मैं बोला था, क्योंकि मैं पहले ही बोला था फर्स्ट हाफ मुझे नहीं अच्छा लगा तो नहीं अच्छा लगा, लेकिन नाग अश्विन ने जिस तरह से, मतलब देखिए, कोई भी अगर कुछ आपको नया नया देना चाहते तो उनको देने के लिए, पब्लिक के अंदर उतारने के लिए बहुत गहराई से जाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो नाग अश्विन जो दिखाने की कोशिश किए, पूरा वो इंटरवल निकल गया कि हमें भी नहीं समझ में आता, क्योंकि हम लोग जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी देखते हमें भी समझ में नहीं आया कि नाग अश्विन दिखा क्या रहे हैं। कुछ कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन जो उन्होंने एंट्री की, अब मैं ये भी बोला था कि इंटरवल के बाद अगर ये पकड़ लिए तो ये समझो ये ऐसी पकड़ लेंगे कि छोड़ेंगे नहीं, और वही हुआ। मेरी जो है अपेक्षा जो है उल्टी हो गई, और नाग अश्विन ने इंटरवल के बाद उस मूवी को इस तरफ पकड़ा कि पब्लिक जो है पकड़े आ रही है थिएटर तक। सर ये जानना चाहूँगा, बहुत सारे उछल्ले क्रिटिक है जो खुद को क्रिटिक समझते हैं लेकिन समोसा बेचते हैं, ये सबको पता है। उन क्रिटिक्स के बारे समोसा खाते हैं, समोसा खाते भी बेचते भी है, जुड़े हुए हो सकते और समोसे का भी नाम बदनाम कर। ऐसे क्रिटिक को क्या कहेंगे जो कहे थे कि हिंदी मार्केट में कल की चलेगी नहीं, चार दिन में उतर जाएगी? देखिए चार दिन में उतर जाएगी बोले, और इसने 173 करोड़ 9 दिनों में किया हिंदी में, क्या बोले? मैंने ये बोला था कि देखो मुझे भले ही इंटरवल के इसमें नहीं समझ में, लेकिन मैं बोला कि पब्लिक किस तरह किसी और भी मूड सकती है। देखो पब्लिक का मूड कोई नहीं पकड़ सकता है, अच्छे अच्छे क्रिटिक भी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि मैं भी नहीं पकड़ पाया, लेकिन मुझे मालूम था कि ये मूवी कहीं और जा रही है और ये मूवी पब्लिक पकड़ेगी। देखो 600 करोड़ खाने का काम नहीं है, 600 करोड़ डालना मतलब ये है कि वो बोलते हैं नेकुरे में चना चबाना, उस तरह की है। और जिस तरह से नाग अश्विन ने पेश किया, हमें जो है उन्हें धन्यवाद बोलना चाहिए। क्यों मालूम है? क्योंकि हॉलीवुड फेल किया इन्होंने, इंटरवल के बाद जितने भी सीन बताए अब मार्वल को फेल है, मार्वल जो मूवी है उसको फेल है। क्यों? क्योंकि जो इसमें जो है आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन का जो किरदार है, आज भी जो है उन्हें जो है एंग्री एनमैन का रूप दे करके उन्होंने, नाग अश्विन ने जिस तरह से उतारा है, कोई भी आज के तारीख में 80 के दशक में कोई ऐसा है एक्टर काम किया है जो कि प्रभास, मैं बात करूँ जो इंटरवल तक किए, जैसे लग रहा था कि कुछ नहीं, लेकिन जिस तरह से इंटरवल के बाद जो है लड़ाइयाँ होती है और प्रभास को उतार दिया, और जिस तरह से मूवी ख़त्म होती है एंडिंग में जाके कमला हसन को रूप में नया दे करके और सेकेंड पार्ट के लिए अप्रोच कर दिया, वो बड़ी बात है। और वही सब चीज़ जो है पब्लिक को पसंद आ रही है। और आज जो है जो समोसा खा के 3-2 स्टार 2.5 स्टार, देखो ये नहीं है, यहाँ पर लागत लगी है और मूवी कहाँ कितनी अच्छी लग रही है वो आप बोलो, और आपको अच्छा है तो अच्छा बोलो, बुरा तो बुरा बोलो, कि 2 स्टार देने से कुछ नहीं है, पब्लिक के आगे कुछ नहीं चलने वाली है आपकी, क्योंकि मूवी अच्छी लगेगी तो अच्छी लगेगी। तो यही हुआ, मैंने यही बोला था कि मुझे इंटरवल नहीं अच्छी लगी तो नहीं लगी, लेकिन इंटरवल के बाद जो ये मूवी अच्छी लगी तो पूरी मूवी अच्छी लगने लगी, इसलिए मैं इस मूवी को 4 स्टार दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि पब्लिक थिएटर तक आएगी और ये मूवी देखेगी। और वो जो 2-2 स्टार दिए हैं समोसा खा खा करके उनके मुंह पर ताला लगेगा, और ये मूवी जो है नहीं कुछ हो तो आज के तारीख में ये है 173 क्रॉस हो गई है हिंदी वर्जन में, हिंदी वर्जन में। साउथ में तो तहलका मचा दिया है, वहाँ पे तो बात ही मत करो कलेक्शन की, वहाँ पे जिस तरह से प्यार मिल रहा है वो कुछ अलग ही है, लेकिन यहाँ पे जो है ये 173 करोड़ करा था, 200 करोड़ कभी भी क्रॉस कर सकती है, और ये मूवी जहाँ तक हो सके 250 करोड़ पार होने के लिए टाइम नहीं लगेगा सर। तो जब ये 250 जो सीरीज से बाहर जाने वाली है, ऐसे में उन क्रिटिक्स को क्या बोलेंगे जो लगातार पिक्चर की पहले से नेगेटिविटी कर रहे थे और अभी भी नेगेटिविटी कर रहे हैं और अभी भी मान नहीं रहे, उनको लग रहा है नहीं 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 इससे अच्छी तो किल मूवी है, इससे अच्छी मूवी है। देखो मैं बताता हूँ, छः दिन के पहले से ही करण जौहर सर जो है किल मूवी
दिखा रहे हैं। मुझे बुलाया नहीं गया था, मुझे दूसरे को मैं गया नहीं, मैं बोला भाई मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपना 100 रुपया डाल करके दूंगा। और मैं कल देखा दोस्तों, यकीन नहीं मानोगे कि अच्छा हुआ मैं गोली नहीं लेके गया। मैं ये भी बोला कि ये मूवी जो है ज़िंदगी में कोई नहीं देखा है, वो बैठेगा तो देखे, उसको अच्छा लगेगा, जो हर हफ्ते फर्स्ट शो देखता उसे नहीं अच्छा लगेगा। मैं ये भी बोला उस मूवी को ये लोग 4 स्टार देते हैं, जो कि 2 दिन के बाद जो है ये मूवी का कहीं जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सर बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि इसका कलेक्शन फेक है, ये है वो है, ये वही लोग हैं जो पठान, जवान ऐसे बहुत सही जो हिंदी फिल्म है उसकी दिल खोल कर कलेक्शन बताए तो तारीफ कर दे, क्योंकि जब इसका फेक हो सकता है तो क्या उसका फेक नहीं हो सकता? क्यों उस वक्त सवाल नहीं उठाए इन्होंने? हाँ, क्यों नहीं बराबर से पैसे खाए हैं? हाँ, एकदम न्यूट्रल बात करें। हाँ, सही से एकदम। देखो एक ही बातें हैं कि ये समझ में नहीं आता, अगर हम लोग जो है, मैं एक ऑटो चलाने वाला रिक्शा, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब हम लोग अगर कोई भी कहीं भी जाते हैं तो हमारी गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, हमारी नुकसान होती है, सब कुछ होती है। जब मैं सोच सकता हूँ तो फिर जो बड़े बड़े जो हैं, जो पैसे लगा करके जो पहले 6 दिन पहले ही मूवी दिखा रहे हैं, लेकिन एक ही बात मैं अच्छा बोलूँ नाग अश्विन को कि आपने मूवी नहीं दिखाया, क्योंकि आपको पूरा इच्छा था, मालूम था कि ये मूवी चलेगी, प्रेस शो नहीं दिखाया, बहुत अच्छा किया। क्यों? क्योंकि क्या है मालूम है, ये जो है ना दिखाने के बाद उनको खिलाओ पिलाओ बाद में वो बजाओ, तो वो काम नहीं आपने किया, क्योंकि आपको मालूम था कि पब्लिक को पसंद आएगी। तो ये मूवी जो है, जो कि जो ये अपना प्रभास की जो एंट्री हुई है ज़बरदस्त, और यही जो बॉलीवुड में जो है कितनी मूवी उनको जो है पीछे छोड़ दिया था, लेकिन ये वापस जो है रिबल स्टार प्रभास की उसी जगह पे उसी तक पे आ चुके हैं, क्योंकि सेलार के बाद जो है यहाँ से जो उनकी अच्छी एंट्री हुई है, और ये मूवी भी जो है बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन करेगी और बहुत आगे तक जाएगी। सबके मुंह पे ताला लग चुका है, किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा। सर आखिरी सवाल, जब पिक्चर चलने लग गई तो ये क्रिटिक के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता है? ये लोग के भाई लोग क्या बोल रहे हैं? हाँ, कि ये पिक्चर अमिताभ बच्चन की प्रभास की नहीं है। हाँ, चल रही है। हाँ, क्या कहोगे आप? नहीं देखो, ये मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है ना, पहली बात आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन एग्री यंग मैन को, आपको मैं बोलने से पहले बोला कि नाग अश्विन ने जो है अमिताभ बच्चन का वो रुद्र रूप जो है, जो उन्हें एग्री यंग मैन दिखाया जा रहा था, ये इतने उम्र में उन्होंने एंग्री एंड मैन का रूप उन्होंने दिखाया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें जो मेन लीड में जो प्रभास हैं उनकी भी कम नहीं है, वो भी जो है लास्ट तक फाइट करते रहे, और उनका भी जो है रूप जो है, जो रियल रूप है रिबल स्टार का, वो दिखा दिया। तो ये इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अपने ऊपर वो ये डाल रहे, पर्दा डाल रहे हैं, क्योंकि वो नहीं भूले कि एक अच्छी मूवी को उन्होंने 2 स्टार दिया है। यानी कि गलती स्वीकार पहली बात तो नहीं की नहीं नहीं की जा रही है। ऐसे जो उछले क्रिटिक है, जो रंग बदलते हर एक फिल्म के लेकर गिरगिट सा रंग बदलते हैं, क्या पब्लिक को इनको इन पर भरोसा करना चाहिए? नहीं देखो, पहली बात क्या, मैं एक ही बात बोलूँ, जब मैं थिएटर पे जाता हूँ तो कुछ लोग मेरे को बोलते हैं सर आपकी रिव्यू मैं देख के आता हूँ। मैं एक रिक्शा चलाने वाला, ऑटो वाला चलाने वाला, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे आपका नाम ही गलत है, आप जो है ऑटो वाले चेंज करें। मैं क्यों चेंज करूँ? मेरा चैनल जो है ब्रांड है, एक ही बात है, मैं जो बोलता हूँ एकदम आम आदमी के पब्लिक में रह के बोलता हूँ, इसके लिए सब मुझे जो है ये मतलब सोचते हैं कि ये क्यों बोलते हैं। तो एक ही बात है कि मेरी रिव्यू देख के आते हैं, और कुछ लोग जो है मतलब ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं, उनका क्यों नहीं विश्वास करते, क्योंकि जब तक 10 रिव्यू देख नहीं देते तब तक ऐसे ही करते हैं। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं काफ़ी लोग जो दिमाग में जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, और उम्मीद करते हैं काल की जीत कमाई। हाँ, और जाने जाने से पहले एक मैं बात बोलूँगा, अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो जरूर फैमिली के साथ देखिए।